बता दें कि पठान पर उपद्रव क्यों, शाहरुख के मुसलमान होने पर या दीपिका की जो बिकिनी उन्होंने पहनी थी भगवा रंग की, उस वजह से। पठान को सेंसर बोर्ड ने मामूली काट चोट के साथ साथ ही पास कर दिया है पठान फिल्म को, और फिल्म से न तो भगवा बिकिनी वाला सीन हटाया गया है और ना ही नाम बदला गया है पठान का। बता दें जिस फिल्म को लेकर विवाद मचा था, 30 साल का करियर और 78 फिल्में, कब शाहरुख खान ने देश को किया है निराश? ये सबसे बड़ा सवाल है कि शाहरुख खान ने अपने करियर की शुरुआत करीब साल 1988 में की। उन्होंने पहले फौजी और सर्कस जैसे टीवी शोज भी किए और फिर फिल्म का रुख किया था। बता दें हालांकि इस दौरान उन्होंने कभी लोगों को निराश नहीं किया है और उनका मुसलमान होना किसी के लिए आहत का कारण आज तक नहीं बना है। बता दें कि हर साल लगातार धमाकेदार फिल्में देने वाले शाहरुख खान पिछले 5 साल से सिल्वर स्क्रीन से गायब है। 2018 में आई फिल्म जीरो, जो कि दर्शकों को एंटरटेनमेंट करने में चूक गई, वही शाहरुख को भी निराशा से हासिल हुआ। बता दें अब जब वो 5 साल बाद पठान से वापसी कर रहे हैं तो फैंस में अलग ही उत्साह नजर आ रही है। ऐसे में जो इसका मातम मना रहे हैं उनकी आंखों में शाहरुख खान कांच के टुकड़ों की तरह चुभ रहे हैं। बता दें इसलिए नहीं कि उनकी फिल्म आ रही है, बल्कि वो मुसलमान है और ये सबसे बड़ा सवाल है कि वो मुसलमान है इसीलिए उनके फिल्म को बॉयकॉट किया जा रहा है। और आपके मुताबिक उनकी मूवी के एक गाने में भगवा रंग को बेशरम कह दिया गया है। और बता दें इस दौरान ही घटिया दिमाग की उपज है, धर्म के नाम पर देश को तोड़ना बंद करना चाहिए। अब सोशल मीडिया पर इस तरह से ट्रेंड आ रहा है। बता दें कि इसी दौरान अपना उद्धार करो शाहरुख खान ने इतने सालों के करियर में कभी भी किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाया और ये लोगों को दिमाग का कीचड़ बताया जा रहा है। और अपनी और इस तरह से छिछालेदार जो शाहरुख खान आज मुसलमान हो गए हैं, लेकिन वही जब राहुल और राज बनकर आपके दिलों पर राज कर रहे थे तब कहा गई थी आपकी गिरी हुई सोच। और ये सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने कहा है, धर्म के नाम पर अपनी दुकान चलाना बंद करिए, नफरत न फैलाइए, जिन फिल्म पर उपद्रवियों ने कलश किया है वो हिट होगी। क्योंकि वैसे एक बात आपको याद दिला दे कि आज तक जो भी मूवी को बॉयकॉट किया गया है वही मूवी सबसे ज्यादा हिट रही है, मेकर्स को फायदा भी उसी से हुआ है। अगर वाकई आपको फिल्म से दिक्कत है तो शांतिपूर्वक विरोध कीजिए, क्योंकि आपकी जरूरत से ज्यादा समझदारी मेकर्स को फायदा दिलवा सकती है। बता दें पद्मावत, माय नेम इज खान से लेकर ए दिल ए मुश्किल जैसी कई फिल्में हैं जिस पर खूब विरोध किया गया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर जमकर सुपरहिट साबित हुई थी ये सारी फिल्में।